चलिए अब लिए चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य में। यहाँ पर शादी को यानी पूर्वी की शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और अब अपने लास्ट एफर्ट में जसबीर जो है वो एकदम लेडीज के गेटअप में आ गए हैं कि भाई किसी तरह ये पूर्वी की शादी रोक दे। अब रोक पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं। पूर्वी और राजवंश की शादी क्या हो जाएगी, आप सबको क्या लगता है? कहने को तो ये दोनों मंडप में बैठ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से जसबीर अपना रूप बदल कर आया है ना, और वो सब पर पानी छिड़क रहा है ये कहकर के आशीर्वाद दे रहा हूँ। कुछ किन्नर आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आया है, बट वो किन्नर के भेस में जस्सी है जो किसी मोटिव से आया है यहाँ पे। उसे पता चला है पूर्वी शादी कर रही है, तो आई डोंट नो उसका क्या मोटिव है, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही शादी को रुकवाने के लिए, इसलिए हम ना वो पानी लेकर आए। वो पानी को ऐसा वैसा पानी नहीं है, वो ना माता रानी का आशीर्वाद है उसमें, वो हम ना ऐसे ऐसे करके सब पे छिड़केंगे, हाँ तो सबका ना शुद्धिकरण हो जाएगा, समझी? इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो पानी फेंक रहा है उस पानी से हवन की आग बुझ गई है और ये अब शगुन होता है। ये जबरदस्ती पानी डाल रहा है और ऑल्सो हवन जो है हमारा जिसमें हम फेरी लेंगे उसमें भी पानी गिर गया, तो नाउ जो हमारे बड़े लोग हैं दया वरीड की, ये तो अपशगुन होता है, तो मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई। मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। घर के बड़े बूढ़े तो भाई कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। अब जहाँ तक जसबीर की बात करें तो जसबीर चाहता ही यही है कि पूर्वी और राजवंश की शादी नहीं हो। पूर्वी का ये पुराना आशिक है, किसी भी तरीके से वो ये शादी रोकना चाहता है, इसीलिए तो आज वो एकदम से रूप बदल कर साड़ी पहनकर यहाँ पर आया है। पूर्वी के पीछे जसबीर जो है पूर्वी के पीछे पड़ा हुआ है, किसी भी हालत में उसको पूर्वी चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक, तो कोशिश भी करता है पर हर बार कुछ ना कुछ तरीके से फेल हो रहा है। आरवी बीच में आ रहा है और फाइनली अभी बात ये आ गई है कि इन दोनों की शादी होने जा रही है, तो शादी हो जाएगी तो जसबीर का प्यार तो अधूरा रह जाएगा, तो अभी वो कुछ भी करके उसको ना वो शादी को रुकवाना चाहता है। सो फाइनली उसको अंदर जाने तो नहीं मिल रहा है, तो उसने कुछ ऐसा ही कुछ गेटअप रेडी किया है ताकि वो इजीली अंदर जा सके। किसी को शक ना हो, लेकिन अब उसने जो हरकत की है ना, उस हरकत से सबको शक जरूर होने लग गया है कि बात जरूर कोई है। यहीं तक नहीं है, अभी ये शादी कुछ समय के लिए रुक जाएगी और उसके बाद और भी रोड़े आने वाले हैं। जब जसबीर आया है तो कोई न कोई हरकत भी करेगा। जी देखिए, अभी तो जस्सी भी एक नए अवतार के साथ अंदर घर में एंटर हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा ही, तो देखते रहना, सिर्फ ना ऐसे चैनल चेंज मत करते रहना। और कहाँ पर देखो, आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेगी सास बहू और साजिश में, और देखना कि मेरी साजिश क्या है, ठीक है? बाय बाय। उधर पूर्वी की जगह खुशी किडनैप हो गई है, तो अब पूर्वी का भी काम तमाम तो करना पड़ेगा। अब पूर्वी के बगल में जो उसका दूल्हा बैठा है ना, यानी कि राजवंश, भला वो भी तो किसी मकसद से ये शादी कर रहा है। लेट्स सी, ड्रामा तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है, जस्सी है, जस्सी तो कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि बहुत गुस्से में है, लेकिन उसके बाद आरवी का भी क्या मूड चेंज होता है, अब मजा आएगा। अब राजवंश ये शादी किसी भी कीमत पर होने देगा और जसबीर कोशिश करेगा कि ये शादी ना हो। अब इन दोनों के जंग में कौन जीतेगा ये हम तो जानते हैं, लेकिन आप सबको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आने वाली स्टोरी में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स लेकर आएंगे आपके लिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।